लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए अलर्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो फिर देश का प्रधानमंत्री मेरे जैसा युवक बन सकता है क्या? यदि बन सकता है, उसके पास सिर्फ जज्बा है लेकिन उसके पास अनुभव की कमी नहीं है, तो फिर ऐसे लीडर का क्या महत्व है, आप मुझे बताइए। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, यदि आप युवा डेवलपमेंट की बात करना चाहते हैं, यदि आप युवा डेवलपमेंट की बात करते हैं तो आप ऐसे भड़काऊ भाषण क्यों देते हैं? और दूसरा क्वेश्चन ये है, यदि आप महात्मा गांधी जी के विचारों पे चलते हैं तो फिर आप ये स्टेटमेंट देने से पहले 100 बार क्यों नहीं सोचते कि अपने देश का क्या होना चाहिए और अपनी विचारधारा क्या है? दोबारा आपका दूसरा सवाल दोबारा बोलिए। यदि आप युवा डेवलपमेंट के बारे में युवा डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो अपने आप भाषण ऐसे क्यों भड़काऊ देते हैं, भड़काऊ भाषण क्यों देते हैं, ऐसा मेरा क्वेश्चन है। और यदि आप महात्मा गांधी जी के विचारों पे चलते हैं तो फिर आप स्टेटमेंट देने से पहले क्यों नहीं सोचते? महात्मा गांधी के विचार पे चलते हैं तो धीरे से बोलिए। यदि आप महात्मा गांधी जी के विचारों पे चलते हैं तो फिर आप स्टेटमेंट देने से पहले 1000 बार क्यों नहीं सोचते, ऐसा मेरा क्वेश्चन है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं ये बात पहले भी कहा हूं, आज भी कह रहा हूं और बड़े गर्व से कह रहा हूं कि मेरी नजर में बाबा साहेब अम्बेडकर महात्मा गांधी से बड़े लीडर थे। मैं अम्बेडकर को मानने वाला हूं, ये मेरी जाती राय आपको पसंद नहीं आएगी। दूसरी बात यह है कि आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, मैं दुआ करूंगा कि आप जरूर प्रधानमंत्री बन जाए, मगर फिर से कह रहा हूं कि नेशनल पार्टी में आप अगर जाएंगे तो आप कॉरपोरेटर भी नहीं बन पाएंगे, तो आप कोई दूसरी पार्टी में जाइए जहां से आप प्रोग्रेस कर सकें। वरना बड़े पार्टियों में होता क्या है कि या तो आप खानदान के होना, नहीं तो फिर आप पानदान में चले जाते हैं, और अगर आप दूसरी पार्टी में गए तो आप आला जात के हाई कास्ट सुना पड़ेगा। इसलिए मेरा 25 साल का तजुर्बा ये है कि आप जैसे युवाओं के लिए बहुत जरूरी है कि आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करें। और तीसरी बात कि मैं भाषण देने से पहले सोचता क्यों नहीं हूं, ऐसा मत समझिए भाई, मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूं, मेरे पास एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री नहीं है, मगर मेरे पास लिंकन जिल से 12वीं की डिग्री है। तो थोड़ा सोच के ही कहता हूं, तकलीफ जरूर होती है, मेरा मकसद यह है कि लोग को तकलीफ पहुंचे ताकि वो सोचे जो मैं बोल रहा opinion that whether it is the Congress which was power in Delhi or now BJP, they have no policy, no vision to bring back normalcy in Kashmir. What we do is that we wait for normalcy to come and then we forget about Kashmir. And when there is trouble in Kashmir, when there is burning in Kashmir, we immediately react. So I feel that there has to be a consistent policy on Kashmir, which unfortunately is lacking, and a government is 280 seats. India today has carried a report that this government has not done anything for Kashmiri Pandits. They have no data of refugees. Now thirdly, as far as Kashmir youth is concerned, you know, I must say that in last 8 years, I have never seen so many youth lives being completely destroyed, whether in the form of those pellet guns. I have seen so many youth getting medical attention here in the Delhi Prasad Hospital, which is quite famous for eye treatment. They have lost their vision. And now, instead of having a policy for Kashmir, the government now is aiming to have less lethal weapons. Now, this shows where the priority lies. So, unfortunately, the Kashmir problem cannot be treated as some sort of a James Bond or in the Rambo side. Someone will have to show statements like approach. And yes, there is a lot of alienation. And that is why we see that a by-election cannot be held. More than 8 months have passed. That is why we see that Farooq Abdullah gets elected with only 10,000 votes. Maybe so. I feel that the National Conference later just went and voted for him.
So yes, things have to be done in a proper way, and I feel that the youths, these pellet guns, you know, all these things, and also Pakistan should stop meddling in Kashmir affairs. And let me say it once again, I'm sure that many Kashmiris do not like me saying it, that how is it that a Muslim sitting in Hyderabad constantly says this? Kashmir is and will always be an integral part of India. But having said that, integral part means even the Kashmiris are integral part. The Kashmiri youth are also integral part. And I hope that what an IAS officer, Faisal Shah, I hope he does not join those two parties. Let him chart out his own independent political journey. That is what Kashmir requires. You don't want Kashmir political journey to be controlled by Babus or Ivy League officers sitting in there. Thank you. Right, that's a news-making point, on which note I think we should...